सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो दिस इज़ माई लाइफ आई व्लॉग। सो आज की वीडियो आ गई है आपके सबसे फेवरेट, मतलब जो क्वेश्चन बार बार लोग हर वीडियो में पूछते थे अबाउट नैनो। सो थैंक्स टू विजुअलाइज फॉर दिस किचन। सो यू कैन सी ये जो गाड़ी है ये सेम पिक्चर है यहाँ की। सो यू कैन सी क्वालिटी वाइज बहुत सही है। सो चलो बैक टू द वीडियो। सो आज को लगा कि एक वीडियो जिसके लिए हर कोई बार बार बोल रहा था बनाने के लिए टाटा नैनो के बारे में, सो आज बना लेता हूँ। और हाँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है थोड़ी लॉकडाउन की वजह से, तो एक बार तो मैं हेयर कट करा के आ चुका हूँ, अभी नहीं गया फिर से। सो इसलिए यू कैन सी अच्छा खासा। सो बैक टू द वीडियो। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टाटा नैनो के बारे में वीडियो बन रही है और बन रही है कि वट आर द गुड्स एंड बैड्स अबाउट टाटा नैनो, जो मुझे लगा यहाँ मेरे पास गाड़ी इतने टाइम से, आपको पता ही है पहली वीडियो जो डाली थी, सेकंड वीडियो, सब कब देख लो जाके। तो आज हम बात करेंगे टाटा नैनो के बारे में, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे बुरा लगता है। सो आप लोगों को यही चाहिए था, लोग क्वेश्चन पूछते थे कि कैसी चल रही है और मतलब अभी तक कैसे रिव्यू, क्योंकि दूसरी गाड़ी मेरे पास डिज़ायर है। सो अगर मैं बोलूँ गाड़ी वाइज तो सब के बारे में आज वीडियो में बात होगी। तो आज की वीडियो का एक तरह से पार्टनर के बारे में बोल सकते हैं विजुअलाइज, जिन्होंने हमें सेंड किया था कीचेन। सो कीचेन के साथ साथ वो लोग और क्या करते हैं, तो इनकी पूरी वेबसाइट है आप देख सकते हो visualize.com में, नीचे लिंक है। फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली यू कैन गेट योर नेम एंग्रेव्ड, तो कीचेन के ऊपर नाम हो सकता है आपका, आपने नंबर प्लेट वाली देख ही ली, ऐसी आपकी बाइक की भी बन जाती है, कार की बन जाती है, और प्लस आपके पास और थोड़े से हैं फॉर योर लवी डवीज, वैलेंटाइंस, बर्थडे गिफ्ट्स। सो जाके एक बार नज़र मार लो, और अगर कोई कूपन या कुछ डिस्काउंट मिलता है हमें तो वो नीचे लिखा होगा और ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में भी होगा, नहीं तो आप जब उनसे बात करोगे व्हाट्सएप पे तो आप बोल सकते हो मैंने वीडियो देखी थी माई लाइफ आई ब्लॉग में, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, ठीक है। सो ऐसे करके हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो बोल सकते हो आप। सो ये किचन का ये फ़ायदा है, इसको आप अपने कार की कीज के साथ लगा लो, और अगर आपके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, मतलब अगर आप अमीर हो तो आपके पास ये ईजिली आप पता चल जाएगा यार ये वाली गाड़ी ये वाली चाबी टाटा नैनो की है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके चलो बात करते हैं गाड़ी के बारे में, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे बुरा लगता है, और एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी तक क्या हाल है गाड़ी का। और रेगुलर ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चलती, 15-20 किलोमीटर टाइप रेगुलर रनिंग है इसकी, मतलब डिज़ायर से ज़्यादा रनिंग इसकी है। सो थोड़ा सा गाड़ी दिखा देता हूँ और बता दूँ क्या क्या हो गया अभी तक, क्या चेंजेस आ गए हैं, और ये यहीं रहती है जब गाड़ी खड़ी होती है। सो हालत वाइज देखो, वैसे तो कोई इशू नहीं है अभी तक, जैसी थी नियरली वैसी ही है, लेकिन जैसे कुछ यहाँ पे ये पेड़ से लिक्विड गिरता है तो इसकी वजह से थोड़े निशान आ गए हैं, जो साफ़ हो जाएंगे वंस वो बंदा वापस आता है और गाड़ी साफ़ होनी शुरू होती है। बाकी अगर आप देखो तो छोटे मोटे स्क्रैचेस जो लगते रहते हैं, ये अभी तक लगा है क्योंकि पापा थोड़ा सा ड्राइविंग में, मतलब उनको लगता है कि सेफ रहता है अगर लर्नर्स में हो, ताकि लोग ज़्यादा परेशान नहीं करते। ये जो है ये पापा ने बैक लेते हुए एक लाइट पोल पे मारी थी, तब से निकला हुआ है। उस टाइम पे इसके साइलेंसर का भी काम हुआ था पूरा, वो वीडियो आपने देखा होगा जब साइलेंसर की आवाज़ बिल्कुल एकदम पता नहीं बाइक जैसी थी, ऑटो जैसी थी, आप लोगों ने बहुत कमेंट करे थे उसमें। और यहाँ पर यू कैन सी स्क्रैच लग चुका है, ये भी उसी का हाल है। तो अभी तक टायर बिल्कुल ठीक है, सो इसमें जल्दी वीडियो बनेगी। मैं सोच रहा हूँ अलॉय व्हील्स लगवाने के लिए, तो थोड़ा सा मार्केट्स ओपन तो हो चुकी है, थोड़ा और ओपन होगा जब चीज़ें से नॉर्मल होगी तब हम इसकी अलॉय व्हील्स के लिए जाएंगे। अब बात आती है इंटीरियर में। सो इंटीरियर देख लो, मतलब सीट्स की इसका बेज कलर की है तो इसलिए थोड़ा गंदी लग रही है, लेकिन कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी है, मतलब लिटरली इसका जो लेग स्पेस है वो डिज़ायर से भी अच्छा है और मोस्टली गाड़ियों से अच्छा है, ठीक है। तो इसका कंफर्टेबल लगेगा, इसका थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है सीट का, तो उसके बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली मुझे जो अच्छी लगता है वो इसकी स्टोरिंग स्पेसिस अच्छी लगती है, जैसे मास्क के रखते हैं यहाँ पर, ऐसे किस साइड भी है सेम मास्क के उधर भी। और आई नो ये गंदा हो चुका है, सब काम होने वाला है, सबकी वीडियोज आएगी आगे जाके। एसी इसका बहुत इफेक्टिव एसी है, मतलब लाइक मैं बोलूँगा जो फर्स्ट चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वो एसी है इसका। और ये थोड़ा कौन है, यू कैन सी एक पतला सा है, थोड़ा सा आपको लगता है कम, मतलब सेफ नहीं है, अगर आपको बाई चांस कोई हिट होता है तो ऑब्वियसली आपको इफेक्ट जल्दी पड़ेगा। और आवाज़ से पता चल गया होगा कितना लाइट है ये। और गाड़ी एक्चुअली यूज़ होती है मोस्टली सामान वामान लेके आने के लिए घर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे थैले पड़े हुए हैं। बाकी
आगे इसे पावर विंडोज हैं, पीछे इसका मैनुअल है, स्पीकर इसमें कंपनी फिटेड है और बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। लेकिन मेरे को लगता है काम इससे ज़्यादा कोई मतलब वो यूज़ नहीं होता, उस हिसाब से अच्छी आवाज़ आती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इंटीरियर में ये वाला पार्ट बहुत सही है इसका, और सीटिंग में आपको दिखेगा यहाँ पे रॉड जैसे है आपका ईजिली, मतलब लाइक स्पेस पीछे भी बहुत अच्छा है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाओ तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, पांच ही बैठ सकते हैं, थोड़ा सा सेंटर से उठा हुआ है तो थोड़ा सा जो बीच में बैठे उसको ऐसा लगेगा वो क्यों ही आया। और डिक्की नहीं है इसमें क्योंकि इसका इंजन पीछे है, वो तो सबको पता ही है कि, तो ये इसका छोटा सा जो इन्होंने यहाँ पे हल्का सा आपको एक लुक दे रखा है स्पॉइलर का, तो वो सही है, एक छोटी सी एड ऑन है एक तरह से। इधर से कुछ एक्स्ट्रा, ये गेट कम खुलता है इसलिए थोड़ा सा टाइट हो रखा है। बैटरी कौन सी यहीं पे ही है, लोगों को ये चीज़ें देखनी थी कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है इसमें। ये आपको पता होगा जिसको नॉलेज है कि यहाँ से बेसिकली जो एयर इनफ्लो होती है वो इंजन को ठंडा रखने के काम आती है। सो यही सब इंटीरियर के बारे में, अब बात करते हैं कि ड्राइविंग में कैसी है ये। इंटीरियर वाइज ना इसमें आप गाड़ी में बैठोगे आपको कोई पता नहीं चलेगा, आप बहुत छोटी सी गाड़ी में बैठे हो आपको लगेगा अरे नॉर्मल या इवन लेग स्पेस आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। और एसी इतना इफेक्टिव है ना कि लिटरली कोई भी गाड़ी इतनी जल्दी ठंडा नहीं करती। मैंने अभी जस्ट गाड़ी ऑन करी और एकदम चिल्ड हो चुका है, तो बहुत सही चीज़ है ये इसके बारे में। और अगर आप इसका कंसोल देखोगे ना तो आपको ऐसे मतलब लाइक ऐसी कोई चीप कार वाली फीलिंग नहीं आती है इसमें। लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा इसको चीप कार बोलता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस वाइज आपको मैंने बताया हुआ है कि ये इतने की है जितने की एक नई अवेंजर आती है। सो अगर आपको गाड़ी है ना तो गाड़ी का ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फ़ायदा ही है बाइक से। ऑब्वियसली बाइक वाली फीलिंग नहीं वो कर सकते, लेकिन गाड़ी में वो ज़्यादा फ़ायदा होता है बारिश से, धूप से, गर्मी से, आपको पता है सब बेसिक्स है, तो उस हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा इसी का ही है। तो अब ड्राइव की बात करते हैं, इसकी ड्राइव कैसी है। अभी जस्ट मेरे हाथ में फ़ोन है तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ड्राइविंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इस गाड़ी की ड्राइव बहुत ईजी है। जस्ट अभी पहले गियर पे लगा के मैं आपको थोड़ा चला के दिखाता हूँ, लाइक इतनी ईज ड्राइव आपको कहीं नहीं मिलेगी मीन से। तो ये जो फ़ायदा है ना ये छोटी गाड़ी का ही है। तो आपके बारे में अगर बड़ी गाड़ी भी हो तो आप ऐसे एक नैनो रख लो जो आपको आसपास जाने के लिए और सब चीज़ों के लिए बहुत यूजफुल रहती है। लिटरली जब मेरे को कोई घर के आसपास का काम भी होता है ना तो स्कूटी उठाने की जगह मैं नैनो उठा लेता हूँ, तो उससे क्या होता है एक तो गर्मी नहीं लगती सबसे बड़ी बात है, और आपको पता है कोरोना के केस में ना थोड़ा सा बाहर आप स्कूटी में या बाइक में जाते हैं तो आपको मास्क वास्क लगा के बहुत पैक होकर जाना पड़ता है, तो वो सब इशू गाड़ी में नहीं आते। तो गाड़ी में क्योंकि हम अपने अंदर हमारा मास्क ऑब्वियसली हमें पहनना चाहिए, लेकिन अगर अकेले जा रहे हो तो फिर कोई नीड नहीं है, और आप लोगों के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आता तो सेफ भी है। तो ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा मतलब ड्राइव इसकी बहुत सही है, मतलब आप इसको जरूर चला के देखो अगर आपको लेने हैं टाटा नैनो लेने की सोच रहे हो सेकेंड हैंड, तो आप एक बार चलाओगे ना आपको लिटरली लगेगा अरे बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में, मतलब लाइक यू शुड बाय इट। थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो बेसिकली इस गाड़ी को आप एज अ प्राइमरी कार भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जी लेने के लिए आप इस गाड़ी को लो या आसपास जाने के लिए, मतलब वो भी आप कर सकते हो, उसमें बहुत ईज रहेगा आपको, लेकिन फिर भी प्राइमरी गाड़ी के लिए बहुत अच्छी है, हाईवेज रन के लिए भी बहुत अच्छी है। पापा मेरे कई बार इसको यहाँ से दिल्ली से करनाल लेके जा चुके हैं, तो मतलब लाइक मतलब उनकी एज के हिसाब से और आप डिस्टेंस से आप देखो तो अच्छी खासी गाड़ी है, आराम आराम से चलाते हो, कहते हैं मज़ा आ रहा था गाड़ी चला के, तो वो फील लेनी हो तो यू कैन बाय टाटा नैनो। और इसके अलावा माइलेज वाइज गाड़ी की माइलेज कभी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, ना पापा ने करी, वो कहते यार फन आता है ना गाड़ी चलाने में तो माइलेज की टेंशन नहीं लेते, तो फिर भी समझो कि पापा कहते हैं कि कोई अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास तो आराम से देती है। पापा एसी में चलाते हैं, वो कहते हैं अगर गाड़ी में एसी चला के फिर मज़ा आता है तो एसी में चलाता हूँ मैं, तो फिर भी आ जाती है तो बहुत अच्छी माइलेज है, मतलब 20 तो लगा के चली लो, 25 का कई बार आपको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20 तो बहुत सही माइलेज है। तो कॉन्स वाइज मतलब मुझे आज तक मतलब अभी चलाते हुए जैसे मैं जितना मैंने सिटी में रन करा मुझे कभी कॉन नहीं लगा। हाँ आपको थोड़ा बहुत डर लगता है जैसे जब कर्व्स आते हैं, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है थोड़ी जो मतलब डिज़ायर से इन सबसे तो आपको लगेगा, और थोड़ी सी हाइट मतलब इस तरह से ज़्यादा है तो आपको ऐसा लगेगा कि गिरना चाहिए, गिरती नहीं है ठीक है।
तो ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी चलाते हो तो ऑब्वियसली आप गिरा सकते हो, ऐसे मैं चैलेंज नहीं दे रहा आपको, आप गाड़ी नहीं गिरा सकते तो पलटा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आराम से चलाओ, ड्राइव सेफ स्टे सेफ। सो आज की वीडियो पर जितने ही लोगों ने बहुत क्वेश्चन डाले थे कि थोड़ा गाड़ी दिखाओ कैसी है अभी कंडीशन, क्योंकि लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से मेरे चैनल को, तो उनको पता है मैंने गाड़ी कब लेनी सोची थी, फिर कब ली और अब उसकी क्या कंडीशन है। और हाँ ये करो, रखो इस गाड़ी को, अच्छी गाड़ी है, ईजी ऑन पॉकेट भी है, सर्विस साल में एक बार होगी, 4 से 5 हज़ार लगा लो और बहुत अच्छी है, मतलब नॉर्मल है, बाइक की भी से ज़्यादा खर्च हो जाता है सर्विस में, तो उस हिसाब से आपके लिए गाड़ी बहुत सही है, तो यू शुड बाई इट। और एंड में फिर बात करते हैं हमारे आज के वीडियो पार्टनर के लिए, तो वो है विजुलाइज। सो ये मतलब लाइक जो की चेन है, अगर आपको मतलब अपनी कोई गाड़ी बाइक किसी के लिए भी चाहिए तो यू कैन बाय इट। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पापा को गिफ्ट दिया इसको, तो ही वाज लाइक कि ही वाज हैप्पी, खुश थे वो देख के कि उनको अच्छा, उनको गाड़ी ही तो अच्छी लगती है, साथ में की चेन उनको बहुत सही लगा, तो उन्होंने बोला मेरी की में लगा दे भाई तो इसको, तो मैंने कहा लगा के, मैंने कहा वीडियो ही बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसने हमें हम पे ट्रस्ट किया और अपना प्रोडक्ट भेजा। सो मैं आपको सुनाता हूँ इसके जो स्टीरियो है, जो इसका स्पीकर, उनकी आवाज़ कैसी है, तो उसके लिए मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ के साथ में, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ है। ये स्विफ्ट में भी नहीं है मेरे डिज़ायर में, जो VXI मॉडल है, लेकिन टाटा नैनो में है, वो है ब्लूटूथ का। ये भी कोई बेस मॉडल नहीं है, ये आप सबको पता है, तो ट्विस्ट में स्पीकर्स आते हैं, सो आपको मिल जाता है एक अच्छा एसी, अच्छे स्पीकर्स, आपको पावर विंडो मिलती है आगे, और कंफर्ट बहुत सही है इस गाड़ी में, और क्या क्या बताऊँ, मतलब लाइक लिटरली कॉन्स मुझे कोई आज तक समझ नहीं आए हैं, सच बोल रहा हूँ, मतलब सच ही बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, और क्योंकि कोई टाटा नैनो ने मुझे पैसे नहीं दिए ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं कौन सही में कोई समझ नहीं आया आज तक, इसमें क्या बुरा है, मैं लोगों को क्या बताऊँ कि इसमें ये बुरा है, सब कुछ बढ़िया है इस गाड़ी में, मतलब डिज़ायर का भी अगर आप बोलोगे तो मे बी मैं कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ उसमें शायद क्वालिटी जो मारुति की बिल्ड क्वालिटी है वो सब है हल्की, टाटा नैनो में जितना मैंने पे किया उसके हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ी। चलो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ और चाहिए हो तो कमेंट कर देना, आप मेरे को DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, सही है या 2.2 जो भी इस टाइम पे जो भी नाम होगा इंस्टाग्राम पे यहाँ लिखा होगा, सो आप मुझे कमेंट करो, मुझे अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, AC चला लूँ पहले, AC बहुत इफेक्टिव सही है, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है तो उसमें डाल देना जरूर, ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे विजुलाइज के, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्रोडक्ट विजुलाइज से खरीद सकते हो, मैं पहले इनका कस्टमर रह चुका हूँ, फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया फॉर प्रोडक्ट, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट सेंड किया, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कैसे वर्क करता है। चलो थैंक्स अलॉट, बाय बाय, और यस घर पे रहो जितना हो सके, बाहर जाना अवॉइड करो, बाहर जाते हो तो मास्क लगाओ, लोगों के साथ कांटेक्ट मत करो, सब पता है आपको, ठीक है, समझदार हो बहुत आप, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो जिस अमाउंट में ये मिल रहा है आपको घर तक डिलीवर्ड, उस हिसाब से बहुत सही है, गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, किसी को गिफ्ट देना हो इसमें, मतलब सिर्फ बाइक कार नहीं, बहुत कुछ प्रोडक्ट हैं इनके, सो अकॉर्डिंगली देख लो, जैसा अच्छा लगे वैसा ले लो।